स्टूडेंट अब हम 14.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आरडी शर्मा बुक का क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है स्टूडेंट्स, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके हमें दो वर्टेक्स जो हैं हमें दिए हुए हैं। इफ द टू वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3, 2, n-1 और 0, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ए और बी के निर्देशांक हमें गिवन है एंड द डायगोनल इज कट एट 2 n-5, तो स्टूडेंट दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर, उसके निर्देशांक हमें क्या दे रखे हैं 2 n-5। अच्छा फाइंड द अदर वर्टेक्स, तो स्टूडेंट हमें बताना है कि इनके अदर वर्टेक्स जो हैं, यानी देखो दो हमें दे रखे हैं ए और बी हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है सी और डी, अदर वर्टेक्स कौन से हो जाएंगे सी और डी, यानी दो वर्टेक्स जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कुछ बातों का हमें पता होना जरूरी है। अगर स्टूडेंट आपको ये तो पता होगा, अगर ये डायगोनल है एसी, इसका ये मिड पॉइंट है, तो आपको पता है मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, याद होगा आपको। अच्छा वाई के फॉर्मूला क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, मोस्टली स्टूडेंट इसके अंदर जो है हमारा यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में। देखिए सबसे पहले क्या है हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या गिवन है, वर्टेक्स ऑफ ए क्या है हमारे, ए है हमारे 3 n-2, बिल्कुल ठीक है। बी के निर्देशांक क्या है -k, 1 और 0। अच्छा अब देखो सी के हमने क्या मान लिए हैं, सी के निर्देशांक हमने मान लिए हैं, सी के वर्टेक्स क्या मान लिए हमने x1 y1 और डी के क्या मान लिए हैं x2 y2। अच्छा और मिड पॉइंट क्या है आपका, यानी कट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पी के निर्देशांक क्या है, पी के निर्देशांक क्या है आपके 2 n-5। तो स्टूडेंट ये तो क्या है हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट हमें एक बात पता होनी चाहिए, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो पैरेललोग्राम के इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट जो करते हैं वो ठीक है ना, वो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, छोटा सा स्टेटमेंट है लिखते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हमें एक बात तो पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एसी, यानी कि स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट बराबर आएगा, लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है पी बी डी, यानी दोनों के मिड पॉइंट जो है वो बराबर आएंगे, यानी इसका मिड पॉइंट भी ये है और इसका जो है बी डी का मिड पॉइंट भी क्या है ए है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं दोनों में हम अपने एक्स की यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसके लिए हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 upon x2। तो फर्स्ट जो हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट हम निकाल रहे हैं ए सी के लिए। तो स्टूडेंट x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो गया आपका x2 y2। तो स्टूडेंट 3 + x1 तो कितना हो जाएगा 3 + x1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट y के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + y1 अपॉन 2, ये हमारे निर्देशांक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पहले इसके लिए हो गए ये वाले निर्देशांक, अब हम क्या करेंगे दोनों के लिए यानी बीडी के लिए निकालते हैं, फॉर बीडी, बीडी के लिए भी हम निकालते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट x2 + -1 यानी कि x2 और ± - हो जाएगा -1/2। वाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा 0 + y2/2, 0 + y2/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए हमें x की वैल्यू, आप समझ रहे हैं मिड पॉइंट को हमें पहले दिया हुआ है, x की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो फॉर ए सी, फॉर कौन सी है हमारी ए सी, ए सी के लिए हम पहले निकालते हैं,
तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है हमारा ये और वाई क्या है ये है। तो स्टूडेंट एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दो बराबर थ्री प्लस एक्स वन अपॉन टू। तो स्टूडेंट यहां से देखो टू की मल्टीप्लाई टू में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, टू टू जाए क्या हो जाएगा हमारा फोर इजकल टू थ्री प्लस एक्स वन। और स्टूडेंट एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी फोर माइनस थ्री इजकल टू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। तो स्टूडेंट एक्स वन की जो हम अगर वैल्यू निकालते हैं कितनी हो जाएगी, एक्स वन की वैल्यू क्या होगी फोर माइनस थ्री इजकल टू वन। तो यहां से स्टूडेंट एक्स वन की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारी वन। अब y2 की वैल्यू निकालते हैं यानी y की वैल्यू निकालते हैं, y के निर्देशांक क्या है स्टूडेंट माइनस के टू, y के लिए निकाल देते हैं तो y के क्या है माइनस टू इजकल टू टू प्लस y1 क्या है, y1 तो हमें निकालना है अपॉन टू। तो स्टूडेंट टू इंटू फाइव क्या हो जाएगा माइनस के टेन इजकल टू टू प्लस y1। तो स्टूडेंट y1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस के टेन और माइनस के टू इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस के ट्वेल्व। तो स्टूडेंट y वन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के ट्वेल्व, तो ये वैल्यू क्या हो गई। अब देखो दो निर्देशांक हमारे इसके निर्देशांक कितने आ गए, सी के निर्देशांक एक और माइनस के ट्वेल्व, इसके निर्देशांक आ गए हमारे सी के निर्देशांक आ गए क्योंकि हमने ए सी के मिड पॉइंट निकाल के करा है। अब हम बी डी के लिए कर देते हैं स्टूडेंट फॉर बी डी, अब बी डी के लिए भी ऐसी कर दीजिए तो एस की वैल्यू तो देखो इसके लिए भी सेम रहेगी तो कितनी हो जाएगी टू इजकल टू। अब फिर से हम क्या करेंगे एक्स टू की अपनी वैल्यू कर देंगे तो देखो बीडी के लिए तो हमारे निर्देशांक किए थे तो एक्स टू माइनस वन अपॉन टू, एक्स टू माइनस वन अपॉन टू, टू टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो फोर इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस वन, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक्स टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव। तो यहां से हम देखिए स्टूडेंट हमें एक्स टू की वैल्यू क्या मिल गई है फाइव, एक्स टू की वैल्यू क्या है फाइव। अब y2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, y2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस के फाइव, माइनस के फाइव अब इसमें रख दीजिए इजकल टू जीरो प्लस y2 अपॉन टू, फाइव की टू में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के टेन इजकल टू क्या हो जाएगा y2। तो स्टूडेंट y2 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 की वैल्यू आई है माइनस के टेन, तो कितनी हो जाएगी माइनस के टेन। तो स्टूडेंट दोनों वर्टिक्स जो थे अदर जो हमें वर्टिक्स जो हमें निकालने के लिए बोले हुए थे अपने क्वेश्चन में, तो एक वर्टेक्स कितना हो गया एक्स वाई की वैल्यू कितना ही है यानी सी के निर्देशांक कितने आ गए वन एंड माइनस ट्वेल्व, एंड अदर डी जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी फाइव माइनस टेन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 जो है कंप्लीट है।